तफ्तीश तहकीकात का दौर जारी है। सुराग सबूत तलाशने के लिए पुलिस बड़ी शिद्दत से जुटी है। वारदात का मास्टरमाइंड कौन है, क्यों सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई, ये सब सवाल पुलिस के लिए सिर दर्द बनकर सामने आए हैं। लाजमी भी है, एनसीआर के शहर नोएडा की कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई तो सनसनी फैल गई। आप भी देखिए ओवरटेक के बाद संगीन अपराध की खौफनाक दास्तान। सोमवार की शाम यानी 13 अप्रैल 2015 के दिन नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लहूलुहान एक शख्स को चंद बदहवास लोग लेकर आए। साथ में नोएडा पुलिस भी थी। मामला गंभीर था, लिहाजा कैलाश अस्पताल के डॉक्टर्स ने इलाज में तत्परता दिखाई और जैसे ही खून से लथपथ मरीज की नब्ज और दिल की धड़कन जांची तभी उम्मीद टूट गई, क्योंकि अस्पताल लाया गया शख्स ब्रॉड डेड था, यानी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुका था। मौत का निवाला बना शख्स टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और नाम था अंकित चौहान। डॉक्टर्स ने बताया कि अंकित के जिस्म पर मल्टीपल गनशॉट इंजरी थी, यानी अंकित पर एक के बाद एक कई गोलियां दागी गई थी और जिस्म से भरे गए उसी सुलगते बारूद ने अंकित की जिंदगी छीन ली थी। एक व्यक्ति आया था हमारे पास करीब आधे पौने घंटे पहले, नाम उसका अंकित चौहान था, 26-27 उम्र का था और हमारे पास ब्रॉड डेड अवस्था में आया था। उसमें मल्टीपल गनशॉट इंजरीज थी उसकी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में था और ब्रॉड डेड। कैलाश अस्पताल के डॉक्टर्स अंकित का इलाज शुरू करते उससे पहले ही पता चल गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित मौत के आगे घुटने टेक चुका है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने अभी बयान दिया कि मृतक अंकित चौहान की बॉडी पर मल्टीपल गनशॉट इंजरी थी, तो फिर आपके दिमाग की दीवार पर एक सवाल ने दस्तक दी होगी, आखिर कौन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित का अपराधी और किसने उसकी हत्या अंजाम दी। तो हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल की शाम जब नोएडा के सेक्टर 77 का बाशिंदा शादीशुदा अंकित अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से नौकरी पेशा बीवी को सेक्टर 135 उसकी कंपनी के बाहर छोड़कर नोएडा एक्सटेंशन की ओर जाने के लिए गगन नाम के एक दोस्त के साथ नोएडा के सेक्टर 76 की सड़क पकड़ी, तो अंदाजा नहीं था कि एक अनहोनी ऐसे दस्तक देगी जिसका तसव्वुर किसी ने भी नहीं किया था। नोएडा टीसीएस के मुलाजिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित की फॉर्च्यूनर गाड़ी स्कोडा सवार युवकों ने ओवरटेक करी। एक शख्स स्कोडा से उतरा और फिर अंकित की गाड़ी के नजदीक आकर उस पर एक के बाद एक गोलियां दाग दी। घटना के बारे में तो बस हमें यही जानकारी मिली कि भाई वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और वो पीछा करते हुए उनकी गाड़ी ओवरटेक करके और आगे से जो है उन पर गोलियां बरसा दी। अंकित के साथ गाड़ी में मौजूद उसके दोस्त गगन को टच तक नहीं किया और वारदात अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। में लहूलुहान पड़े अंकित के साथ ही गगन ने राहगीरों से मदद मांगी तो अस्पताल पहुंचाया गया मगर अंकित बच नहीं पाया। जैसे हमने देखा कि वहाँ पे वो लोग खड़े हैं, ये झुंड ना के लोग खड़े हैं कई सारे, हमने बाइक रोकी और उतरे तो देखा कि एक बंदा जो इनके साथ था वो रो रहा था और कह रहा था कि कोई हमारी गाड़ी चला लो, कोई हेल्प कर दो। तो हम लोग बाइक उतर के जैसे हम लोग आए तो हमें देखा कि ये बंदा खून में लथपथ था और उसकी गाड़ी शीशे वगैरह फूटे हुए थे। हाँ, गोली लगी हुई थी इसको, हमने बस एक गर्दन पे देखी जो लगी हुई थी गर्दन पे गोली, बस फिर हमने इसकी उठाया उसको, बाकी लोग भी खड़े थे पर कोई आगे आ नहीं रहा था गाड़ी चलाने की। ये सेक्टर 76 की रेड लाइट से पहले का मामला है। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और आदमी था अंकित चौहान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित की महज एक महीना पहले शादी हुई थी। अस्पताल में मौजूद उसकी बीवी पति की मौत पर बिलख रही थी। अंकित मेरठ के शास्त्री नगर इलाके का रहने वाला था। खबर उसके परिवार तक पहुंची तो मेरठ में हड़कंप मच गया। परिवार बेटे की मौत की खबर सुनकर सदमे से भर गया। अंकित के घर पर मातम पसर गया। परिवार वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस हर कोई खबर सुनकर गमगीन हो गया।
और हर कोई यही बयान दे रहा था कि अंकित निहायत शरीफ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, होनहार और समझदार लड़का था। अभी शादी जो है अभी एक महीने पहले 10 मार्च को हुई थी और ये अपना बड़ा सिंसियर और बहुत ही होनहार बच्चा था और यहाँ से अभी परसों ही ये दोनों बच्चे गए हैं और यहाँ पिछले 25 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, 25-30 साल से, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का किसी भी साथी के साथ या किसी भी कहीं भी कोई झगड़ा यहाँ नहीं है। गगन नाम का एक उनका एक साथी था जो उनके साथ था और वो अभी भी यहाँ आया हुआ था, अभी भी शायद यहीं हो या हमारे साथ अंत्येष्टि में भी था। गाड़ी छीनने का या होता तो वो गाड़ी भी छीन सकती थी, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको तो उतार भी सकते थे, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं है ये पोजीशन के क्या इस समय है। नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे बड़े खुश हो गए यहाँ से, अभी परसों ही गए हैं और अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है उन्होंने, तो ऐसा कुछ हम बिल्कुल क्लियर नहीं। मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित के रिश्तेदार नरेश चौहान की माने, जो कि नोएडा के ही बाशिंदे हैं, जिस वक्त अंकित की जिंदगी छीनी गई उससे पहले तक अंकित लगातार फोन पर उनसे संपर्क में था और बार बार यही बात बोल रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और जैसे ही कुछ देर बात की उसके बाद नरेश के मुताबिक कुछ शोर सुनने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि गोलियां लगने के बाद अंकित के हाथ से मोबाइल छूट चुका था। घटनाक्रम जी इतना बताया कि हमें 4:20 के करीब उन्होंने कॉल किया कि भाई हम ऐसे ऐसे गाड़ी लेके आए हुए थे और कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हो, कि हम एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 76 में रहते थे। उसी दौरान इसने बोला कि भाई इन्होंने गोली चला दी है मेरे ऊपर। उसके बाद में शायद फ़ोन इनसे गिर गया है या कैसे, बात नहीं हो पाई, सिर्फ आवाज़ें आती रही, बात नहीं हो पाई। दोबारा फिर हमने फ़ोन काट के इनको मिलाया कि पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो दोस्त ने फ़ोन उठाया कि भाई अंकित को गोली मार दी है और हम गाड़ी रुकवाने की कोशिश करें, बाद में बात करेंगे आप। डरे हुए थे तो नहीं, परिचित का तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बताया, ना ही शायद वो जानते होंगे उन्हें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बोला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो 35 से ही उनके पीछे थे, 135 से ही उनको कवर करते हुए आ रहे थे। तो उन्हें भी शायद उससे पहले उन्होंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज भी किया गाड़ी का नंबर कि ऐसे ऐसे कोई हमारा पीछा। जब उन्हें गाड़ी बरौला और सेक्टर 50 के पीछे बैक साइड में उन्होंने गाड़ी आगे लगा के और रोके, तो उससे पहले उन्होंने मुझे कॉल की। TCS नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की एक महीना पहले ही शादी हुई थी। अभी 3 दिन पहले ही छुट्टियां बिताकर पति पत्नी वापस नोएडा काम पर लौटे थे और फिर ये संगीन वारदात। अंकित की पत्नी बेहद ही बदहवास है, परिवार कुछ समझ नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ नोएडा पुलिस के हाथ खाली हैं। वारदात को हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नोएडा पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि कौन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान का अपराधी और कत्ल के पीछे क्या वजह है। नोएडा से संजीव कुमार के साथ मेरठ से अब्दुल कादिर, समाचार प्लस। बारह अप्रैल के दिन गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में चेन स्नेचिंग का विरोध करना एक परिवार को बेहद महंगा पड़ा। सन की लुटेरे ने पीड़ित दंपत्ति के साथ मौजूद उनकी 4 साल की बच्ची को गोली मार दी। हड़कंप मच गया, कानून व्यवस्था पर उंगली उठी तो गाजियाबाद पुलिस नींद से जागी और फिर वारदात के 2 दिन बाद मासूम के गुनहगार को दबोचकर खाकी की साख पर लगा दाग मिटाया। मैंने गोली नहीं मारी थी। तुम बाइक चला रहे थे? हाँ जी। वारदातें कर चुके हो? पहले की थी, पहले 2012 में, 2013 में। सर बाइक मैंने चलाई थी, लेकिन उसने जो भी करा उसने किया था दूसरे लड़के ने। क्या नाम है उसका? नाम मेरे को सर को पता है। तुम्हारा सर को बता रखा है? यामिन पहले भी गोली वोली चला चुके? नहीं जी मैंने कभी। कितनी घटना करी सर? मैंने तो 2-3 कही थी, खाली स्नेचिंग की कही। अपने काले कारनामे शातिर अपराधी खुद अपनी जुबानी सुना रहा है।
कब, कैसे और कितनी वारदातें अंजाम दी सब मीडिया को बता रहा है। जी, सूरत पर काला नकाब डाल पुलिस से घिरे इस शातिर शख्स ने फिलहाल दुनिया से अपनी शक्ल तो छिपा ली, लेकिन संगीन गुनाह अंजाम देने वाला पुलिस से भी बच नहीं पाया। नाम यामीन है, प्रहलादगढ़ी गांव का बाशिंदा है, अभी 2 हफ्ते पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। यामीन पेशेवर चेन स्नेचर है और चेन तोड़कर भागना इसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन चेन स्नेचिंग की वारदात अंजाम देने वाला शातिर खिलाड़ी यामीन भूल गया कि पुलिस भी कोई चीज है जो उसके पीछे पड़ी है। जी हाँ, यामीन वही सनकी अपराधी है जिसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस ने दिन रात एक कर दिया और 48 घंटे के भीतर गुड वर्क का परिचय देते हुए यामीन को दबोच लिया। आइए सुनते हैं एसपी साहब की जुबानी, आखिर मामला क्या है और किस जुर्म के लिए गाजियाबाद पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। ये घटना 12 अप्रैल 2015 को शाम को 4:15 से 4:30 के बीच में हुई, जिसमें कि एक फैमिली जो कि बाइक पे जा रही थी, जिसमें पीछे महिला बैठी थी जिनके गले में चेन जिसको छीनना गया, पीछे आ रहे 2 बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा, जो पीछे लड़का बैठा था उसने ये घटना करी थी जिसने कि चेन छीनी थी। और जैसे ही अगले चौराहे पे फैमिली ने उनका पीछा किया, वैसे ही उसके द्वारा फायर किया गया जो कि आगे बैठी बच्ची के पेट में लगा। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए वहाँ बच्ची को सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जिसका कि तत्काल रूप से ऑपरेशन करवाया गया। उच्च अधिकारी सभी ने मौका मुआयना किया तुरंत और ऑपरेशन कामयाब रहा। 12 अप्रैल 2015 की शाम वक्त लगभग 4:30 बजे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके से गुजरने वाले बाइक सवार पति पत्नी और उनकी 4 साल की बच्ची पर आफत टूट पड़ी, जब शातिर यामीन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर बाइक पर पीछे बैठी महिला की सोने की चेन तोड़ ली और भाग खड़े हुए। लेकिन बाइक सवार दंपति ने हिम्मत दिखाई, अपराधियों का पीछा किया और जब महिला ने भागते चेन स्नेचर यामीन को पकड़ा और एक थप्पड़ जड़ा तो बाइक पर पीछे बैठे यामीन के दूसरे साथी ने सीधा गोली दाग दी, जो सीधा महिला के पति के साथ आगे बाइक पर बैठी 4 साल की बच्ची के पेट में जा लगी। वारदात अंजाम देने के बाद आरोपी यामीन और उसका साथी बाइक से फरार हो गए। बच्ची को अस्पताल लाया गया, इलाज शुरू हुआ जहां उसकी जिंदगी खतरे से बाहर निकाली गई, मगर वारदात से पुलिस महकमे की साख डगमगाई तो गाजियाबाद पुलिस ने मामला खाकी की गरिमा से जोड़ा और गाजियाबाद पुलिस के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने खुद कमान संभाली। तकनीक अपने मुखबरी तंत्र सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हर चीज की मदद ली गई और फिर गाजियाबाद पुलिस का गुड वर्क सामने आया, जहां 48 घंटे के भीतर मासूम का गुनहगार यानी शातिर और सन की चेन स्नेचर यामीन धरा गया। देखिए, ये घटना 2 दिन पहले हुई थी और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसमें एक बच्ची को गोली लगी थी जी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने काफी टीम करीब आधा दर्जन टीमों का गठन किया था और जितने भी चेन स्नेचर्स थे, इवन इसमें दिल्ली पुलिस के जो बॉर्डर से लगे हुए थाने हैं उनसे भी टाई अप किया गया था और पुलिस ने कल रात जो है एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो कि इंदिरापुरम क्षेत्र का ही रहने वाला है जहां पर ये घटना हुई थी जी, जी। और ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है ये पेशेवर चेन स्नेचर है, इससे पहले भी ये 2 बार जेल जा चुका है, अभी कुछ ही दिन पहले ये बेल आउट था और बाहर आया था। पुलिस को इसकी जो पहचान हुई वो ये हुई कि जो वहां पर हमारे पुलिस कंट्रोल रूम का जो कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा जी। वहां पर पुलिस ने जब उसको स्टडी किया तो पाया कि 2 लड़के वहां से निकले थे और उसके बाद उनके हुलिया को तलाश करना शुरू किया और जो कपड़े वो पहने हुए था क्रिमिनल उस समय वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और उसकी शिनाख्त भी पुलिस ने कर ली है और उसको एक व्यक्ति अभी भी फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। यामीन का दूसरा साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन गिरफ्तार यामीन से पुलिस ने सब उगलवा लिया है। फरार आरोपी की भी तलाश जारी है। यामीन से काले रंग की एक पल्सर बाइक भी बरामद हुई है जिसे वारदात अंजाम देने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 48 घंटे के भीतर सनकी यामीन की गिरफ्तारी साबित करती है कि गाजियाबाद पुलिस के गुड वर्क से जनता में खाकी का इकबाल जरूर कायम हुआ होगा।
गाजियाबाद से संजय गिरी और पदयुजमा की रिपोर्ट, समाचार प्लस। हर शादीशुदा औरत की एक अदद ख्वाहिश होती है कि वो जिस सुहाग के नाम का सिंदूर अपने माथे पर सजाए वो शौहर दुनिया की बेशुमार खुशियां उसके आंचल में उड़ेल दे, मगर जालौन के उस शौहर के लिए बीवी का प्यार नाकाफी था। नतीजा आप खुद देखिए। दीप्ति और राघवेंद्र अब से 7 साल पहले एक दूसरे के लिए अनजान थे, मगर दोनों के परिवार ने एक दूसरे की रजामंदी से दीप्ति और राघवेंद्र की शादी तय कर दी। दीप्ति और राघवेंद्र ने भी परिवार के फैसले का सम्मान किया और शादी के अटूट बंधन में बंध गए। एक दूसरे के लिए दोनों चेहरे अनजान थे, मगर शादी के बाद एक ऐसे पाक रिश्ते में बंधे जहां अपनों को छोड़ बेटी दीप्ति ऐसे घर में गई जहां तमाम चुनौतियों से घिरी जिंदगी थी। अगर कोई करीब था तो सिर्फ शौहर राघवेंद्र था, जिस पर दावा करके बीवी दीप्ति ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर करनी शुरू की और जालौन के थाना एटा से सटे गांव धगवा कला में स्थित अपने ससुराल को अपना घर मान लिया। लेकिन दीप्ति उस वक्त टूट कर रह गई जब विश्वास से परे एक सच्चाई जहन को चुभने लगी। जिस शौहर के लिए मायके छोड़कर वो ससुराल आई, गांव छोड़ा, परिवार की कुर्बानी दी, वो सुहाग उस काबिल था ही नहीं। जी हाँ, शौहर राघवेंद्र आंख में आंख डालकर बेवफाई पर आतुर था, जिसका अपनी ही भाभी से अवैध संबंध था। ये हमारे यहाँ एक दीदी थी हमारी, धगवा में शादी हो गई थी, वहाँ पे घर पे कोई विवाद चलता था उनका। इनके जो जीजा जी थी हमारे, उनके अपनी भाभी से अवैध संबंध थे, उसके लिए उसको लेकर हमारे दीदी को और जीजा जी के बीच में विवाद होता था। विवाद के दरमियान घर पे रात में लड़ाई हुई इनकी दोनों की। भला कौन बीवी ये चाहेगी कि उसके रहते हुए शौहर बेवफाई करे, विश्वास का गला घोटे। जबकि शौहर राघवेंद्र बाल बच्चेदार था, 6 साल गुजरने के बाद भी शौहर राघवेंद्र जरा भी नहीं बदला, बल्कि बीवी दीप्ति को राह का रोड़ा समझने लगा। और यही वजह थी कि पत्नी दीप्ति ने एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा अपने ससुराल पक्ष में ये बात सामने रखी। लेकिन ना तो इस समस्या का समाधान निकला और ना ही शौहर राघवेंद्र अपनी नापाक हरकतों से बाज आया। नतीजा आप खुद ही सुनिए। उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको गांव में छोड़ आए, खेरा में उनका मायका था, वहां से वो लेके आए तो वहां पर रास्ते में उन्होंने खड़ी की बाइक से थी वो। खड़ी करने के बाद उन्होंने छीना झपटी के बाद बेरहमी से तमंचे से गोली मार दी। हमारी बहन की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और जो उसके साथ बच्चा था उनका, उसको भी बेरहमी से तमंचे से गोली मार दी। वो जिंदा था, फिर उसको कानपुर ले गए, 315 के बोर्ड से हत्या हुई थी तमंचे से। वो झांसी ले गए, झांसी से रेफर किया कानपुर के लिए, कानपुर ले गए, कानपुर में उसकी डेथ हो गई। शादीशुदा जिंदगी के 7 बरस बाद 7 जन्मों का साथ निभाने वाला शौहर राघवेंद्र अपनी नापाक चाहत को लेकर ऐसा अंधा बना कि बीवी दीप्ति का प्यार नाकाफी लगने लगा। शौहर राघवेंद्र की बदसलूकियों से आजिज आ चुकी पत्नी दीप्ति के पास कोई चारा नहीं था। इसी दरमियान दीप्ति अपने 6 साल के बच्चे हर्ष के साथ अपने मायके चली गई। लेकिन क्या पता था कि घर ले जाने के बहाने आया शौहर राघवेंद्र दानव बन चुका है। हुआ वही जिसका इल्म किसी ने नहीं किया था। अवैध संबंध की खातिर अंधे बने शौहर राघवेंद्र ने 6 मार्च 2015 की शाम अपनी बीवी दीप्ति के जिस्म में 3 गोलियां दागी और उससे भी जी नहीं भरा तो उस बच्चे को भी गोली मार दी जो राघवेंद्र का अपना खून था। मेरी बहनों भी रामलला हैं, मैंने अपनी बच्ची तथा और मेरी बहन को गोली मार दी। उनकी वो अपनी भाभी से गलत नाजायज संबंध रखते थे। इस घटना में उनके पिता, उनका भाई
जी लोग भी भाभी और रामलला चारों लोग शामिल हैं। भाभी की चाहत में दीवाने देवर राघवेंद्र ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की परवाह नहीं की, बल्कि हर उस कसम को खाक में मिला दिया जो साथ तेरे लेते वक्त उसने ली थी। मगर राघवेंद्र भूल गया कि आज नहीं तो कल वो कानून के सामने अपाहिज बनकर खड़ा होगा और फिर सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसमें 302 का मुकदमा लिखा हुआ है, पति ने ही अपनी पत्नी को मार दिया था, उसके साथ उसमें बच्चा था, उसके भी चोट आई थी, बाद में उसका उसकी भी मौत हो गई और इसमें सदन विवेचना की जा रही है और उस मुलजिम को हमने अरेस्ट भी कर लिया है। कितने लोग सर इसमें गिरफ्तार हुए हैं? जिसमें मेन मुलजिम था वो गिरफ्तार हो चुका है। पति राघवेंद्र ने जो किया वो एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। उस अवैध संबंध की भड़की चिंगारी का अंजाम था जहां रिश्तों का कत्ल लाजमी था। हालात सुधर सकते थे, शादीशुदा जिंदगी की एक नई नींव रखी जा सकती थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे गुनाह ने दस्तक दी जिसने हर किसी को सदमे से भर दिया। उमा शंकर, जालौन, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश के भीतर अब किसी बहू बेटी की आबरू से खिलवाड़ नहीं होगा, ऐसे दावे हमारी पुलिस सीना ठोक कर करती है, मगर क्या हालात सुधरते हैं? यकीनन नहीं। बहू बेटियां तो खौफ की जिंदगी बसर कर रही हैं, क्योंकि शाहजहांपुर की दहशत से भर देने वाली जो तस्वीर हम दिखाने वाले हैं वो हमारी इसी बात की वानगी पेश करेगी। अब वो हो गया था नाम का लड़का खड़ा था, उसने हमारे पहुंचे दोनों पकड़ लिए, हमारे साथ छेड़छाड़ की और कहा वो करो ये करो, हम बहुत विनती करते रहे तो भी छो। फिर उधर से वो आ रही थी मेवाराम की दुल्हन, मनीराम की दुल्हन, उन्होंने मुझे बचाया, हम घर तक आए और सुबह आकर उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल के मुझे जला दिया। दर्द से कुल बुलाती किस साल की नेहा ने अपने साथ हुई ज्यादती की दास्तान सुनाई तो हमारा कलेजा भी सिहर उठा, मगर अफसोस 100% आग से झुलसी नेहा की जिंदगी न बचाई जा सकी। जिला अस्पताल में भर्ती नेहा ने अपनी माँ की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और उस जहाँ से रुखसत हो गई, लेकिन जाते जाते वो सुलगते सवाल छोड़ गई जिसका जवाब न तो कानून के पास है और न ही समाज के पास। क्या बहू बेटियां घर से नहीं निकल सकती? क्या खुलेआम अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? अगर नहीं तो किस बात की पुलिस, किस बात का सिस्टम? आखिर कोई बेटी इतनी क्यों सताई जाती है? क्यों उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों उसकी जिंदगी खाक में मिला दी जाती है? लड़की को जला दिया गया है तो उसको तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया और उसको अस्पताल में जाकर के उसका ट्रीटमेंट कराया, उसका एक वो डाइन डिक्लेरेशन कराया, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान कराया और जो उसकी सायंकाल में मौत हो गई लड़की की जलने की वजह से, तो धारा 302 में हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अथक प्रयास किया पुलिस ने, रात भर दबिश दी और उसको अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रैल 2015 की शाम छात्रा नेहा का घर से निकलना दर्द का सबब बना। घात लगाए दरिंदे योगेश ने छात्रा की आबरू कुचलने की कोशिश की, लेकिन छात्रा नेहा ने शैतान योगेश के मंसूबों पर पानी फेर दिया और विरोध का एक करारा तमाचा जड़ा, लेकिन दरिंदा योगेश इंतकाम की आग में जल उठा। मगर जैसे ही 12 अप्रैल 2015 की रात ढली, 14 अप्रैल 2015 की सुबह एक मनहूस घड़ी में तब्दील हो गई। नेहा के थप्पड़ का जवाब देने के लिए दरिंदे योगेश ने इंतकाम की आग का सहारा लिया। दरिंदे योगेश ने अपनी सनक में नेहा के घर में दाखिल होकर अकेली छात्रा नेहा के जिस्म पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। उसके घर वाले जाकर के उसको मारे पीटे भी थे, लड़की के पिता जाकर के उसको मारे पीटे भी थे, हमारा टाइप का लड़का है। और पुलिस को सूचना इन्होंने नहीं दिया, अगर दे दिया होता तो बताची किसकी जान बचती।
छात्रा नेहा का क्या कसूर था कि उसने अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ विरोध का स्वर ऊंचा किया था। भला कोई लड़की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि राह में चलता फिरता मन चला मनमानी करे। मगर नेहा ने विरोध किया और उस विरोध की कीमत चुकानी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने नेहा के गुनहगार योगेश गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी ये तय करना बाकी है कि आखिर कब तक जननी सहती रहेगी। कमलेश शर्मा, शाहजहांपुर, समाचार प्लस।